चलिए आज का प्लान स्टार्ट करते हैं। 30 फीट बाई 30 फीट इक्वल टू 900 स्क्वायर फीट। ओके, ये रोड साइड, फ्रंट साइड, इधर रोड साइड, ये पोर्च, पोर्च दिया हुआ है। डिस्टेंस 10 फीट और 8 फीट। ओके, यहाँ पर सबका गेट रहेगा, एंट्री गेट, जो आपको वुडन गेट लगाना है, ये डबल डोर। ड्राइंग रूम चौड़ाई 8 फीट 6 इंच, साइड में किचन दिया हुआ है जिसका साइज रहेगा 8 फीट इंटू 7 फीट। और आगे बढ़ने पर यहाँ पास रहेगी, ये एरिया हॉल रहेगा इधर इतना, और इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक का डिस्टेंस 18 फीट 4 इंच। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इधर रहेगा आपका साइड में स्टेयर्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 8 फीट, और ये डिस्टेंस रहेगा 7 फीट। ओके, पर स्टेप रखना है 3 फीट। और इधर देखिए, अब मेन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास रहेगा आपका एक डोर, ये रहेगा बेडरूम, बेडरूम इसका साइज यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई रहेगा 11 फीट 0 इंच, लंबाई रखना है यहाँ से यहाँ तक 14 फीट 0 इंच। इधर साइड में आपको एक और डोर लगाना है, और ये रहेगा आपका विग साइज का बेडरूम जिसका सेम साइज यहाँ से यहाँ तक का 11 फीट 0 इंच, 11 फीट 0 इंच, और लंबाई रख लेना है 14 फीट 4 इंच। ओके, ऐसे करके इधर इधर साइड में आपको एक और बेडरूम देखने को मिलेंगे जिसका डोर कुछ इस प्रकार से रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का इसका लंबाई रहेगा 12 फीट 0 इंच, ये बेडरूम है। ओके, जिसका साइज यहाँ से यहाँ तक का इसका चौड़ाई रखना है 10 फीट 0 इंच। ओके, इधर साइड में आपका टॉयलेट आ जाएगा, यहाँ पर डोर रखना है, ये रहेगा टॉयलेट प्लस बाथ, दोनों एक साथ रखना है। इसका साइज रहेगा 4 फीट 6 इंच चौड़ाई, और लंबाई रखना है 10 फीट 0 इंच। ओके, ऐसे करके आपको रख लेना है। बेडरूम का डोर का डिस्टेंस रखना है 3 फीट का, टॉयलेट का डिस्टेंस रखना है 2 फीट 6 इंच, मेन गेट रखना है 3 फीट 6 इंच। ओके, इधर साइड में आपका एक विंडो, इधर साइड में विंडो रहेगा, ये 4 फीट विंडो रहेगा, ये 3 फीट 6 इंच विंडो रहेगा, इधर 1 फीट 6 इंच का एक विंडो डालना है आपको टॉयलेट का, इधर विंडो जो 4 फीट विंडो रहेगा, इधर रहेगा एक और विंडो जिसका डिस्टेंस रहेगा 4 फीट। ओके, ऐसा करके दिया हुआ है। इसका ये क्या रहेगा, 10 फीट 10 इंच आउटसाइड पार्टीशन वाल, इनसाइड पार्टीशन वाल रखना है 5 इंच। आपका कॉलम लगेगा यहाँ पास, यहाँ पास, और रहेगा यहाँ, यहाँ पास, ऐसे करके आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। ओके, ये आपका कॉलम एरिया रहेगा। कॉलम कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ पास आपका 15 कॉलम रहेगा। ओके, कॉलम का डिस्टेंस रखना है 10 इंच इंटू 10 इंच, 10 इंच बाई 10 इंच का आपका कॉलम का डिस्टेंस रखना है। ओके, इसमें कॉस्ट आएगा आपका, कॉस्ट रहेगा आपका 12 लाख प्लस रहेगा आपका, 12 लाख से थोड़ा बहुत अधिक लगेगा। ओके गाइस, ऐसे करके ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो गाइस, हमारा ये नक्शा कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे किसी और नए नक्शे के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।